हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के ITS क्लासेस में। मेट्रोलॉजी की मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लेक्चर आपको बता दूँ, मैं जितने भी सारे कैंडिडेट GDC के जो कैंडिडेट जो अभी तैयारी कर रहे हैं आपके RRBJEE मैकेनिकल ब्रांच से, या फिर अगर वो ओपन वैकेंसीज RRBJEE की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मेट्रोलॉजी का, वो दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और मेरा जो यहाँ पर डिस्कशन का आपका रहेगा पर्पस, वो RRBJEE को ही फोकस करके रहेगा, क्योंकि मैं जितने भी सारे यहाँ पे जो टॉपिक ऐड किया हूँ एज पर RRBJEE का जो सिलेबस है उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किया हूँ। और देखो, मेट्रोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैकेनिकल का जो यहाँ पे सिलेबस RRBJEE में ऐड किया गया है उसमें टोटल 10 टॉपिक है, उसमें से 5 टॉपिक ओनली आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन से बोल सकते हो आपका है। उसमें से आपका एक मेट्रोलॉजी का जो टर्म आता है और ये क्या है नहीं है, सारा कुछ मैं यहाँ पे बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मतलब इस टॉपिक से, वो सारा चीज़ आप इस वीडियो का देखना, एक एक चीज़ जो है क्वेश्चंस आपको लग जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मतलब आप एक समझो, लेक्चर को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको हमेशा जो है समझ में आ जाएगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाओ, ताकि वो भी आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो देखो, मेट्रोलॉजी ये लेक्चर नंबर 1 है, और ये लेक्चर नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस जो हमारा क्या है एज पर RRBJEE जो है, इसका सिलेबस क्या रहेगा वो देखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद एग्ज़ाम का वेटेज कितना RRBJEE में वो देखेंगे। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ आपका, टोटल 10 टॉपिक जो है ऐड किया गया है, ठीक है, आपका टेक्निकल सेक्शन में। तो उसमें से आपका मेट्रोलॉजी का अगर एक टॉपिक है तो 100 नंबर आपके आते हैं टेक्निकल पोर्शन में, तो आपका बोल सकते हो मेट्रोलॉजी का है 10 नंबर का वेटेज है, जो कि एक ह्यूज वेटेज आप बोल सकते हो। इस वीडियो से हम लोग जानने वाले हैं, इस लेक्चर से आपका व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी होता क्या है, मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, और इसी से इस ये जो आपका टॉपिक है मेजरिंग डिवाइसेस, यहाँ से तो भाई RRBJEE बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा जो बेसिक है। उसके बाद व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट किसको बोलते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये आपको सिलेबस यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मेट्रोलॉजी का सिलेबस में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लीनियर मेजरमेंट जो है क्या है नहीं है, सब कुछ हम लोग बेसिक से जानेंगे, लेकिन सिलेबस में देखो क्या क्या मेंशन किया। लीनियर मेजरमेंट के कुछ यहाँ पे डिवाइसेस का नाम लिखा हुआ, स्लिप गेज हो गया, डायल इंडिकेटर हो गया, एंगल मेजरमेंट की बात किया इन लोगों ने, बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार, एंगल स्लिप गेज, ठीक है, कॉम्पेरेटर, टोटल इसमें 4 तरह के कॉम्पेरेटर होते हैं ABCD। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, किसी भी सरफेस को हमको मेजर करना है, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स बाय कंपेरिजन प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारा हमारा मेट्रोलॉजी का जो है सिलेबस है। उसके बाद देखो, यहाँ पे इतने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये माइक्रोमीटर हो गया, ये बर्नियर कैलिपर है, इसके भी टाइप्स होते हैं, ये आपका डायल इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ये सारे कैलिपर हो गए हैं, तो ये सारे क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक एक आइडिया देता हूँ कि मेट्रोलॉजी जो होती है ये क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं, और रेलवे में इसका सिलेबस जो है क्यों ऐड किया गया है। अब देखो, मेट्रोलॉजी सिंपली बात करता है, एक ऐसा साइंस है जो मेजरमेंट से रिलेटेड बात करता है। आपने बचपन में ये सारे जितने भी यहाँ पे दिख रहे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में ये सारे चीज़ यूज़ करते होंगे। ये क्या है, एक नॉर्मल सा प्लेन, इसको हम लोग स्केल बोलते थे, इससे क्या मेजर करते थे आप, लेंथ मेजर करते थे, ठीक है। तो इसकी भी एक अपनी भाई लिमिट रहती है कि भाई आप चलो 10 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर लिया, बट कितनी एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर रहे हो उसकी एक लिमिट रहती है। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग आपको लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करना पड़ता है। ये देखो आप, यहाँ से इससे क्या मेजर, इससे एंगल मेजर करते थे, इससे आर्क लगाते थे, ये आपका ट्राइंगल हो गया। तो ये सारे आप यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, एंगल लोकेटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये आपका डायल गेज हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, टेप हो गया, एंगल गेज, लेवल, स्क्वायर मेजर, इंक्लिनोमीटर, कंपास, लेजर लेवल, कैलिपर और आपका स्पीडोमीटर, इस तरीके से बहुत सारे, ये सब सारे क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं कि मेट्रोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या है, इससे सारी चीज़ आपको क्लियर होने वाला है। मेट्रोलॉजी बात करता था साइंस ऑफ मेजरमेंट, भाई साइंस ऑफ मेजरमेंट से बात करता है कि उसको हम लोग बोल देते हैं कि मेट्रोलॉजी, बट हम लोग क्या मेजर करते हैं भाई, और मेजर करने के हमें
क्यों आवश्यकता हो गई। आपको पता है रेलवे में भैया जो आपकी बहुत सारे कंपोनेंट का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ व्हील एंड एक्सल का, ठीक है। अभी व्हील एंड एक्सल एक ऐसा चीज़ है भैया, अब एक्सल को मेजर कर रहे हो तो ये आपका कहीं पे इसका सिलेंड्रिकल शेप है, तो भाई ये शेप जो आप बना रहे हो तो उसको फिर उसका डायमीटर वगैरह मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर का जो है यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए, तो और भी बहुत सारे चीज़ मेजर करते हैं। तो विद एक्यूरेसी, ओनली मेजर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, मापना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्यूरेसी के साथ आप कितना माप रहे हैं वो सारा चीज़ हमको कौन बताता, मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस मतलब ब्रांच है साइंस का जो बात करता है मेजरमेंट से रिलेटेड डील करता है। और आपका जो मेट्रोलॉजी है इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब दिस डिसिप्लिन इज टू एस्टेब्लिश मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब हम तो मेजर कर ले, ठीक है, आपने बोला कि सर हम मेट्रोलॉजी जो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, लेकिन फिर कोई बंदा आया बोलेगा क्या हम मेजर करते हैं, तो मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, भौतिक राशियों को मापते हैं, ठीक है। और ये भौतिक राशि को क्या क्या हो सकता है, आपका डायमेंशन जैसे कि आपका लेंथ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका टेम्परेचर मापते हैं, ये भी आपका एक भौतिक राशि है, फोर्स हो गया, और ये सारे आपके बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी, आपको पता होगा टोटल 7 बेसिक आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर करते हैं कहाँ पे, मेट्रोलॉजी में, ठीक है। और सिंपली मेजरमेंट का मतलब होता भाई कंपेरिजन करना, देखते हो जैसे आप मान लो कोई आप नॉर्मल अगर किसी टेलर के पास आते थे आप कपड़ा वगैरह ये करने के लिए, तो क्या करता था पहले आपके पास एक कोई मान लो पहले से जो भी सिलवाने के लिए गए हो, एक सपोज पैंट अपने सिलवाने के लिए गए हो, तो हो सकता है अपने वो पैंट जो है लेके गए हो, तो फिर वो बंदा क्या करता था एक आपका मेज़र लेता था, क्या करता था मेज़र, और जो आपके पहले से जो था भाई उसका एक कंपेरिजन होता था। तो ये भी एक बोल सकते हो ये भी मेट्रोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेजरमेंट हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है किसके साथ, ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सम नेचर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कैसे फिक्स कर दिया गया है कि मेजरमेंट जैसे कि आपका लेंथ मेजर करना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या हो गया भैया, मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो है पहले से फिक्स कर दिया गया है, और हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट के हेल्प से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि सपोज हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग बर्नियर कैलिपर, बर्नियर कैलिपर क्या है, बर्नियर कैलिपर जो होता है एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या होता नहीं होता ये सब हम लोग सिर्फ आगे बात करेंगे अच्छा और डिटेल में। फिर बात करेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है क्या होती है भैया, भौतिक राशि क्या होता है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी भौतिक गुण जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको अगर मैं बोलूँ कि ठीक ऑयल आपके पास है, तो क्या आप ऑयल को जो है गिन सकते हो, नहीं, इसको क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स, और उसको अगर हम लोग मेजर कर पाते हैं नंबर के हेल्प से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जैसे कि आपका भौतिक राशि कौन कौन से होंगे, लेंथ हो गया, इसको हम लोग नंबर से क्या करते हैं मेजर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम हो गया सेकंड से इसको हम लोग मेजर कर लिए, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे क्या फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारा चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि मेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो मेजरमेंट से डील करता है, मेजरमेंट नॉर्मली क्या होता है कंपेरिजन होता है किसी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो पहले से फिक्स किया हुआ रहेगा, ठीक है। और मेट्रोलॉजी में हम लोग क्या मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डायमेंशन, टेम्परेचर, फोर्स और ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर हो गया आपका। चलो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। अब हम लोग मेज़र करें, मैंने क्या बोला कि मापना ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, अगर हमको लेंथ ही मापना रहता तो क्यों नहीं हम स्केल यूज़ करके मापते, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा टर्म आता है एक्यूरेसी, मतलब कितना सही माप रहे हो, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर आप माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता 10^6 मीटर, मतलब इतना 1 माइक्रोन का भी अगर मान लो यहाँ पर डायमेंशन में अगर चेंज होती है रेलवे के जैसे मान लो अगर शाफ्ट और व्हील के अंदर, तो भाई ये फेलियर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें मापना इम्पोर्टेंट है बट विथ एक्यूरेसी। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो आपको एक्यूरेसी के साथ और वो भी मिनिमम कॉस्ट में जो आपको मेजर करके देता है, क्लियर है। उसके बाद थ्रू इवोल्यूशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट एंड टू इंश्योर दैट कंपोनेंट्स आर विद इन द स्पेसिफाइड डायमेंशन। अब जैसे देखो बोला जाता है कि हर आदमी एक यूनिक है और उसका जैसा कोई बन नहीं सकता, उसी तरीके से अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी अगर कोई डायमेंशन है, बट अगर सेम प्रोडक्ट हम लोग फिर आगे बनाने जाएंगे तो सेम एज इट इज़ तो नहीं बन सकता है, बट हाँ उसके आसपास बन सकता है। तो उसी में बोला जाता है कि हम लोग क्या देते हैं, टॉलरेंस देते हैं।
टॉलरेंस क्या होता है, एक ऐसा जोन होता है कि ठीक है भाई आप अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट को नहीं बनाकर दे रहे हो, बट एक ऐसा जोन दे, जोन तो बता दो जिस जोन के अंदर में जो आपका प्रोडक्ट लाई करेगा, तो उसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस जोन भाई, कि हाँ अगर आपका प्रोडक्ट है कि इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप इस रेंज में मुझे प्रोडक्ट बना कर दोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो उसी जोन को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस जोन बोलते हैं। तो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो स्पेसिफाइड डायमेंशन में है कि नहीं है वो हमें कौन बताने वाला, मेट्रोलॉजी में बताने वाला, कि जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। उसके बाद प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ डिटरमाइन करता है कि जो आप लोग मेजर कर रहे हैं उसकी, जो कोई भी चीज़ अगर आप लोग बना रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, सही है कि नहीं है, वो मेट्रोलॉजी बताएगा। उसके बाद टू असेस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटीज़, इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमता के बारे में पता चलता है, एंड एंश्योर दैट दे आर एडिक्वेट फॉर देयर स्पेसिफिक मेजरमेंट। और हम लोग कुछ भी अगर मापते हैं तो वो एंश्योर कर देता भाई वो जो आप माप रहे हो वो एडिक्वेट है या नहीं है। ये मेट्रोलॉजी का उद्देश्य बात कर रहे हैं कि भाई मेट्रोलॉजी जो पढ़ रहे हो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ने का आपको इसमें ज़रूरत पड़ा। तो आपको ये तो सारा चीज़ समझ में आ गया भाई, मिनिमम कॉस्ट के साथ आप एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है, स्पेसिफाइड डायमेंशन आपका जो भी कोई प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर करके मंगवा रहे हो वो है कि नहीं वो चेक करते हो, प्रोसेस कैपेबिलिटीज चेक कर लेते हो, ठीक है, और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन रिजेक्शन एंड रिव्यूअर। अब मान लो कोई बंदा भाई बना कर दे दिया प्रोडक्ट और आपका जो डायमेंशन था वो, जो भी आपने डायमेंशन उसको बोला होगा उसको मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भाई मीट नहीं कर पा रहा तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, तो ये तो बर्बादी है मतलब भैया उसको इतने लॉस हो जाएंगे, तो लॉस तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए आप उसको कुछ बता कर रखोगे भाई इस डायमेंशन का रहेगा तभी मैं प्रोडक्ट जो हूँ लूँगा। तो जहाँ पर भी जिस इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रही होगी तो वहाँ उस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि भाई मतलब प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि इंस्पेक्शन जाँच करने का जरूरत ही नहीं पड़े, रिजेक्शन वो रिजेक्ट भी नहीं हो, और रीवर्क उस पर दोबारा उस पर काम करने का भी जरूरत नहीं पड़े। मतलब जब आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो तो अच्छे से मेजर करो जो भी डायमेंशन है, चाहे आपका लेंथ हो, चाहे आपका डायमीटर हो, चाहे आपका होल का मेजरमेंट करना है, थ्रेड का मेजरमेंट करना है, तो ऐसा मेजरमेंट करो कि जाके आपका टाइम वगैरह का लॉस नहीं हो और ये सब सारा काम बार बार नहीं करना पड़े। और जो मेट्रोलॉजी का और क्या उद्देश्य हो सकता है, टू स्टैंडर्डाइज मेजरिंग मेथड्स, ठीक है, हम जो भी कुछ मेजर कर रहे हैं उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दो, ठीक है, कि भाई हाँ अगर कोई भी मटेरियल अगर बन रहा है इस तरीके से साफ्ट अगर बन रहा है तो इसको हमको कैसे मेजर करना नहीं मेजर करना है उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, तो वो सारा चीज़ फिर मेट्रोलॉजी का उद्देश्य हो जाती है। और क्या है, टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स थ्रू पीरियोडिकल कैलिब्रेशन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसके पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका बर्नियर कैलिपर हो, चाहे आपका स्लिप गेज हो, चाहे आपका माइक्रोमीटर हो, इन सबको कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन का नॉर्मली मतलब ये होता है कि उसमें ऐसा सेटिंग किया जाता है कि भाई एरर नहीं आए मापने के बाद, मतलब एरर फ्री बनाया जाता है आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। क्लियर हो गया, तो ये कैलिब्रेशन पूछ देगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, ताकि भाई एरर नहीं आए मेज़र करने में। उसके बाद टू प्रिपेयर डिजाइन ऑफ गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फीचर्स। तो इतना सारा उद्देश्य भाई मेट्रोलॉजी को पढ़ना, जो कि बहुत बड़ी बात, मैंने क्या बोला कि अगर एक माइक्रोन का भी डायमेंशन में अगर इधर उधर हो जाता है, चाहे व्हील का बोर का डाया मेजर करते हैं यहाँ पे जो आपके रेलवे के व्हील्स होती है, चाहे आपका उसमें जो शाफ्ट आप मेजर करते हो उसका डाया वगैरह में अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया लेंथ का मेजरमेंट में, थोड़ा सा भी एक माइक्रोन का भी कहीं पर कुछ अगर डायमेंशन में चेंजेस आती है तो वो सारा चीज़ रिजेक्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो मेट्रोलॉजी का कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ इंटरचेंजेबिलिटी, ये टर्म क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर यह समझना, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब भाई इंटर मतलब आपस में एक दूसरे से क्या कर लेना, फेर बदल कर लेना, इसका क्या मतलब हुआ कि एन इंटरचेंजेबल पार्ट इज़ वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सिमिलर पार्ट। मतलब भाई कि इंटरचेंजेबल पार्ट वो पार्ट होते हैं वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सिमिलर पार्ट। मतलब अगर मान लो एक दो पार्ट है और ये पार्ट जो इस पे लगने वाला है, लेकिन इसी तरह का सेम पार्ट मेरे पास और एक है, तो मान लो ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है तो जो सेम वाला पार्ट है वो भी अगर इस पे फिट हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरचेंजेबल कहलाएगा। इसको और थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 पार्ट होल के हैं, ठीक है, 100 पार्ट्स होल, जैसे कि ये व्हील है ना, तो इसके सेंटर में क्या ये होल रहता है कि नहीं, बिल्कुल रहता है। तो ये मान लो 100 पार्ट्स हमारे पास होल्स के हैं और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सपोज शाफ्ट है, ये एक्सल है, बट यहाँ पे हम उसको शाफ्ट बोल रहे हैं, विच हैव टू फिट इनटू दिस होल्स। मतलब ये जो आपका सपोज ये शाफ्ट है, इस होल, ये जो सेंटर में इसका होल दिख रहा है यहाँ पे फिट करना है। तो मान लो यहाँ पे 100 होल है, यहाँ पे 100 शाफ्ट है। अगर इंटरचेंजेबिलिटी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं,
अब मान लो ये होल जो है कहीं और जगह पे बनता है और शाफ्ट कहीं और जगह पे बन रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मान लो ये हमारे भारत में कहीं और एक दूसरे कंट्री में दूसरे सिटी में बना, ये दूसरे सिटी में बना, बट अगर इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर बनाने का टाइम फॉलो किया गया होगा, तो यहाँ से एक होल को उठाएंगे और यहाँ से एक शाफ्ट को उठाएंगे और जब इसको फिट करेंगे तो भाई जब इसको असेंबल करेंगे एक दूसरे के साथ तो ईजिली जो है वो चीज़ जो है असेंबल हो जाना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है कि इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब उसमें एबिलिटी होना चाहिए किसी चीज़ का इंटरचेंज आपस में एक दूसरे का जो है कि भाई हाँ 100 में से कोई भी एक प्रोडक्ट इसका उठा लो और 100 में से इसका भी कोई एक उठा लो तो भाई दोनों आपस में क्या होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। तो इसी का मतलब क्या होता है, ये इंटरचेंजेबिलिटी। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड इसका जितना भी मैं तारीफ करूँ कम है, बिकॉज़ यहाँ से आरआरबी जेई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है और इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना। मेजरमेंट डिवाइसेस, और आपके सिलेबस में बस इतने ही सारे डिवाइसेस पढ़ने हैं, इसके बाहर आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्लियर है। अब देखो क्या है कि हम मेजर करते हैं, मैंने क्या बताया कि मेजरमेंट करते हैं हम लोग कहाँ पर, ये मेट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसी ने बोला सर किस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे, तो मैंने बोला भैया ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है आप मेजर कर लो, इसको मेजर कर लो फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटी भाई क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं या तो नंबर में मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर लेंथ हो गया, ठीक है, एंगल हो गया। तो अब हमें मेजर करना है, तो भाई मेजर करना तो उसके लिए भी अलग अलग डिवाइसेस होंगे। कौन कौन से अलग अलग डिवाइसेस है देखते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट के अलग डिवाइस होंगे, लिमिट गेज क्या होता है देखेंगे, एंगुलर मेजरमेंट, कंपेरेटर, ऑप्टिकल और सरफेस मेजरमेंट। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो बनता है तो उसमें हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, सबसे पहले तो उसमें क्या क्या मेजर किया जाता है, हो सकता है यार उसमें जो है रफनेस मेजर कर लें कि भाई मेरा जो इसका जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसका सरफेस जो है कितना रफ है या कितना स्मूथ है, वो उसका मेजरमेंट कहाँ करेंगे, सरफेसेस पे जाके जो सरफेस मेजरमेंट के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे उससे कर लेंगे। या तो मान लो कि कोई एक यहाँ पे थ्रेड है, कोई ऐसा थ्रेड कट किया गया होगा मान लो, ठीक है, थ्रेड कट किया गया होगा, और या मान लो ये कोई एक शाफ्ट है, शाफ्ट का हमको आउटर डायमेंशन को मेजर करना, तो भाई कैसे मेजर करोगे, उसके लिए भाई रिंग गेज एक डिवाइस होता है, दिखाएंगे कैसे होता है जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं जो हम लोग बचपन से जैसे कि रूल्स और स्केल यूज़ करते हैं, फिर बर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, बोर गेज, डायल इंडिकेटर, स्लिप गेज। देखो यहाँ पे कैसे रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज करो मान लो या बोल दिया कि मान लो कि तीन ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे लिख दिया प्लग गेज, फिर लिख दिया यहाँ पे साइन बार, फिर लिख दिया यहाँ पर आपका मैकेनिकल कंपैरेटर और लिख दिया यहाँ पर डायल इंडिकेटर। बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो क्या बोलोगे, आपको याद होना चाहिए कि भाई डायल इंडिकेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मान लो ऐसा कोई यहाँ पे तीन उठा लिया और कोई एक मान लो एंगुलर मेजरमेंट का डिवाइस घुसा दिया, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मान लो यहाँ पे आपका बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, बर्नियर जो कैलिपर होता है वो यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, और बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर जो होता है उसको एंगल मेजर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें ये वाला टिक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे लिमिट गेज है भाई, तो प्लग गेज का आप लोग यूज़ क्यों करते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत भाई पूछा गया है। कोई भी अगर होल हो, ठीक है, उस होल का अगर हमें डायमीटर को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, प्लग गेज। लेकिन अगर मान लो कोई शाफ्ट है उसका अगर हमको सॉलिड होता है, शाफ्ट आपको पता ही होगा, उसका अगर डायमीटर को मेजर करना तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, रिंग गेज। ये सब सारा चीज़ मैं फोटोज़ के साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने वाला हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि होल को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लग गेज। अगर हम लोग को शाफ्ट को मेजर करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिंग गेज। क्लियर हो गया। उसके बाद एंगुलर मेजरमेंट साइन बार हो गया, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, उसके बाद एंगल स्लिप गेज और किलोनोमीटर। यहाँ पे पूछा भी जाता है, मान लो यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिया ये वाले और चौथा यहाँ पे घुसा दिया किलोनोमीटर, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस इज ए एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, तो क्या बोलोगे। अगर आपको पता रहेगा हाँ किलोनोमीटर जो होता है वो एंगल मेजर करता है तो इसको तुरंत टिक कर देगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। कंपेरेटर क्या होता है भाई, अब ये मेजरिंग जो भी आप मेजर करोगे उसको कंपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल कंपेरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर, ऑप्टिकल कंपेरेटर और न्यूमेटिक कंपेरेटर। ये जब पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इसको। और ऑप्टिकल मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल स्क्वायर्स, ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, उसके बाद इंटरफेरोमेट्री और ऑप्टिकल फ्लैट्स, और यहाँ पे ये सरफेस मेजरमेंट है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे मेजरिंग डिवाइसेस में यही सब सारा चीज़ देखना है।
उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ मेजर करते हो, तो भाई आपने लेंथ मेजर किया था, क्या बोलते हो 10 mm, तो ये 10 mm क्या हो गया भैया, यूनिट हो गया, ये तो एक नंबर है, mm क्या एक यूनिट है, तो द नॉन क्वांटिटी विच इज़ यूज इन मेजरमेंट, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। तो यूनिट्स भी कौन कौन से होते हैं, लीनियर मेजरमेंट के यूनिट्स होंगे, स्क्वायर मेजरमेंट के होंगे, और मास केजी सेकेंड, उसके बाद आपका ये क्या हो गया फुट पाउंड और सेकेंड, और सीजीएस आपका सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, तो ये तीन तरह का अलग अलग यूनिट है। तो देखो इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, अब मेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ही है जिसमें हम लोग मेजरमेंट से बात करते हैं, और मेजरमेंट क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइसेज, और मेजरिंग डिवाइसेज भी जो होते हैं अलग अलग तरीके को मैंने अभी दिखाया कि लीनियर मेजरमेंट के कौन थे, एंगुलर मेजरमेंट के कौन थे, सरफेस मेजरमेंट के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल मेजरमेंट के लिए क्या होता है, और एंगल को अगर मेजर करना तो कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन हमको आना चाहिए कि 10 mm जो होता है 1 cm, 10 cm 1 decimeter, 10 decimeter इक्वल टू 1 meter, 10 meter इक्वल टू 1 decameter, 10 decameter जो होता है 1 hectometer, और 10 hectometer इक्वल टू होता है 1 kilometer। सर्फेस को मेजरमेंट करना था 100 mm² इक्वल टू 1 cm², 100 cm² इक्वल टू 1 decimeter², 100 decimeter² इक्वल टू 1 meter², 100 meter² इक्वल टू 1 R, और 100 R इज इक्वल टू 1 hectare, और 100 hectare इज इक्वल टू होता है 1 km². और इसमें देखो 25 mm को हम लोग 1 inch लेके चलते हैं, 12 inch इक्वल टू 1 foot होता है, 3 foot इज इक्वल टू 1 yard, 220 yard इज इक्वल टू 1 furlong, 8 furlong इज इक्वल टू 8 mile, और 1 mile इक्वल टू होता है 1.6023 km। तो ये आपको यूनिट का कन्वर्जन जो होता आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या डिस्कस किए थे, वो सारा चीज़ पे देखते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई क्या क्या हम लोग इसमें जानेंगे, फिर समझा के सिलेबस भाई इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रहते हैं, फिर देखा कि भाई ये सब सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखना है जब हम लोग स्टडी करेंगे, भाई डायल इंडिकेटर कैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमीटर भी जो क्या है लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन लीनियर भी मेजरमेंट होता है, डाया भी मेजरमेंट होता है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में और आपको मैं बताऊँगा वहाँ पर। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, मेट्रोलॉजी क्या था, मेट्रोलॉजी जो होता है एक ऐसा साइंस है जो मेजरमेंट से रिलेटेड डील करता है, मेजर क्या करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और मेजरमेंट का मतलब नॉर्मली होता है कंपैरिजन होता है, क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखा क्या ऑब्जेक्टिव की क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट मेट्रोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो भाई हमको एक्यूरेसी के साथ मिनिमम कॉस्ट में मेजर करना रहता है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो स्पेसिफाइड डायमेंशन में है कि नहीं, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, कि कोई भी दो पार्ट अगर किसी दूसरे जगह में बन रहे हैं लेकिन अगर एक दूसरे के साथ उसको जब मिलाएं तो वो इजीली क्या हो जाए असेंबल हो जाएं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी बोलेंगे, क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे मेजरिंग डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं भैया, ये सब सारे जो है मेजरिंग डिवाइसेज होके हो गए, चाहे लीनियर हो गया, लिमिट गेज, एंगुलर मेजरमेंट के लिए कंपैरेटर हो गया, ऑप्टिकल और सरफेस मेजरमेंट डिवाइसेज हो गए, क्लियर है। फिर तो हम लोग देखा यहाँ पे कि भाई यूनिट्स का कन्वर्जन किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से जो हमारा लेक्चर 1 जो है आज एंड हो गया भैया, और आगे की भाई आगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो अभी मैं इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाने लग जाऊँगा। बट मेरे भाई आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे GDC एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे आप RRB JEE की ओपन वैकेंसीज की कर रहे हो, तो आप मेरे को पहले एक यहाँ पे ये देना, फीडबैक देना कि लेक्चर आपको किस तरीके से लग रहा है, और क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि हाँ इसमें लेक्चर 2 भी स्टार्ट करना चाहिए, तो कमेंट में कमेंट करना, तभी जाके मेरे को आपका फीडबैक समझ में आएगा, तो मैं फिर बेबी सीरियस होकर फिर आपको सारा चीज़ जो है प्रॉपर प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो फिर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि JDC की वैकेंसीज, ओपन वैकेंसीज की सारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो बड़ा अच्छा से मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।